मेरठ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग लगातार जारी है। मेरठ सीट से बीजेपी ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। जी मीडिया संवाददाता ने अरुण गोविल से बातचीत की है। चुनाव और चुनावी मुद्दों को लेकर अरुण गोविल ने क्या कहा है, पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल मौजूद हैं। अरुण गोविल जी, आज चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है, कितनी तैयारी है क्योंकि आपने लगातार कैंपेनिंग की, क्या कुछ रहा मेरठ में अब तक? मेरठ में बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है और आज उसका दिन है, महायज्ञ का दिन है। मैं सभी से यही दरख्वास्त है, मेरी निवेदन है कि उसमें अपना वोट जरूर डालें। राजनीति का मैदान कितना अलग आपको दिखाई पड़ा है इस वक्त? राजनीति अलग तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मतलब जो हमारा फिल्मों का जो काम है या टेलीविजन सीरियल्स का जो काम है वो हमें क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में फिल्में करते हैं। यहाँ सब कुछ जैसे चुनाव है अभी तक तो वो तो बिल्कुल आमने सामने होता है, 1-to-1 वाली बात होती है, तो फ़र्क है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा रहा मेरठ में? नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, राम मंदिर तो एक सत्य है, एक यथार्थ है हमारे जीवन का, वो मुद्दा नहीं है। नहीं, राम मंदिर तो राम मंदिर है। तो जब आप लोगों के बीच में गए तो क्योंकि आपको टीवी पर लोगों ने देखा, राम जी के किरदार में आपको देखा, तो यहाँ पर कैसा सपोर्ट मिला आपको, कैसा लोगों ने आपका स्वागत किया और क्या चुनौतियाँ रहीं? नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे प्रति बहुत उत्साह है उनका ये जानने के बाद कि मैं चुनाव में यहाँ आया हूँ, चुनाव के लिए आया हूँ, तो वो जो पहले जो स्नेह और आदर था वो मुझे लगता है और उससे कहीं बहुत कई गुना ज़्यादा हो गया है। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह है। मुख्य लड़ाई किससे आप देख रहे हैं मेरठ में? नहीं, मैं लड़ाइयों में बिलीव नहीं करता बिल्कुल, मैं अपने काम में बिलीव करता हूँ, दैट्स ऑल। आई विल गिव माय 100%, दैट्स इट। जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? 100%। तो देखिए, अरुण गोविल जो कि मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अपनी जीत को लेकर 100% कॉन्फिडेंट होने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मेरठ।